हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और दिवाली आ चुकी है, आज धनतेरस भी है और आप सभी के स्कूल की छुट्टियां भी हो गई होंगी। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे दिवाली का टारगेट बता दो। तो सबसे पहले तो यार टारगेट की बात करें तो सबसे पहले तो यार हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज धनतेरस है। अच्छा, मैं आज रास्ते में से जा रहा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि दिवाली तो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि सीधी सी बात आपने देखा भी होगा दिवाली में कुछ लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ नए नए सामान खरीद रहे होते हैं। तो एक गरीब के लिए होता क्या है कि वो कहता है कि यार मेरे लिए क्या फेस्टिवल, मेरे लिए वही देना है, मुझे वही दाल रोटी खाना है, और ये फेस्टिवल तो जो लोग हैं बड़े लोगों के लिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और ये मैंने बचपन में भी सुना है कि ऐसी बात, और ये बात शायद से सच भी है, क्योंकि यार जब पैसा होता है तभी तो आप कुछ सामान खरीदोगे। अब बात आई सर, दिवाली तो फेस्टिवल है खुशियाँ बांटने का, तो डेफिनेटली सब लोग करते भी हैं, मिठाई बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सेपरेट लेवल पे देखें तो यार ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि अब कोई बंदे पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या नया सामान खरीदेगा, वो क्या ही खुश होगा। ठीक है, अब इतना लेवल उनका होता नहीं है कि भाई वो ये सोचें कि हम खुश हैं तो ये दिवाली बहुत अच्छी है, क्योंकि खुश खुश रहना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट होती है, तो सब लोग नहीं रह पाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप दो चीज़ें खरीदते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ठीक है, बिल्कुल आपको ये बात सही है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए जो लोग कैपेबल नहीं है तो आपको पढ़ाई को अपना हथियार बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर हम कैपेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, पैसे की कमी होती है, कुछ बच्चे अच्छी कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, कंप्रोमाइज करते हैं। आप मैं मतलब बचपन में मुझे याद आ जाता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, मार्केट जाते हैं कुछ लेने का मन करता है लेकिन ले नहीं पाते, क्यों? पैसे नहीं होते उतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने भी फेस करी, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो हम कई बार कह सकते हैं कि उनके लिए क्या दिवाली। तो मैं आपसे एज ए स्टूडेंट, मतलब आप यही सोचिए कि अगर आज आप कैपेबल नहीं हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल भी आप कैपेबल ना हो। आज ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाइए, डेफिनेटली आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ब्लेम मत दीजिए कि यार हम इधर हैं तो हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, जो है ऊपर वाले ने, हो सकता है आपको आज गरीबी दिखाई इसलिए कि आप कैपेबल बने, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और हो सकता है आप एक दिन ऐसा कर दें कि आप दूसरे के लिए कुछ बड़ा कर पाएं, समझ रहे? तो आप आज को देख के ये डिसाइड ना करें कि क्या हो गया मेरे साथ, आप ये डिसाइड करें आप अपनी लाइफ में क्या अच्छा करने वाले हैं। अगर आप एक इंसान की लाइफ बदलोगे तो पता नहीं क्या क्या बदल सकता है, ये हम अच्छे जानते हैं, क्योंकि एक इंसान भी काफी होता है लोगों को बदलने के लिए। तो ये बस पॉजिटिव मुझे यही माइंड में आ रहा था सुबह से, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये बात शेयर की जाए। तो आपको कैसा, ये बात कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। फिलहाल मेरा पॉइंट यही है कि आप दिवाली को सेलिब्रेट करें, खुशियां बांटें, कोशिश करें आप खुश हैं तो दूसरे लोग भी खुश रहें आपसे, ऐसा ना हो कि आप चढ़ा रहे हो। कई बार कहते हम लोग चढ़ाते भी हैं। ठीक है, जैसे मतलब ये टॉपिक जो है, मैं आपको दिवाली का टारगेट बताने जा रहा हूँ लेकिन माइंड में कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि मेरा कोई वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है। हाँ, ये सोच के जरूर आते कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, हाँ जैसे मैं बोलता हूँ तो वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं इतना ही बोलूंगा, तो मुझे वही चीज आ रही माइंड में कि कई बार क्या होता है हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चढ़ाने के लिए भी। अब दिवाली में क्या सब नए नए कपड़े खरीद रहे हैं कुछ, अब जो गरीब है बेचारा वो नया कपड़ा नहीं खरीद सकता, तो ये कहीं ना कहीं तो कोशिश करी, अगर आप कैपेबल हैं तो किसी की भी हेल्प, 10 की नहीं कर सकते, अगर आप कैपेबल हैं एक की कुछ हेल्प कर दीजिए। ठीक है, कुछ दिलवा दीजिए वो खुश हो जाए। ठीक है, छोटी सी चीज दिलवा दीजिए, आपके पास 1,000 रुपये नहीं है, 500 रुपये नहीं, 100 रुपए का कुछ तो ऐसा होगा जिसको काम आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ शेयर नहीं करने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है, ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, बस मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, और आई होप डेफिनेटली बहुत से लोग करते भी, इसमें कोई दोहरा भी नहीं है, लेकिन हम सबको करना चाहिए, यही दिवाली है, आपको इसी तरीके से मनाना है। फिलहाल क्यों पढ़ना है, चलिए थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, क्यों पढ़ना है पहले तो ये डिसाइड करो। मैंने जैसे बोला कि अगर आप आज गरीब हो तो ये मत सोचो कि फ्यूचर में भी रहना है, आप अपने दम की मतलब एजुकेशन के बल पे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ तो इस एजुकेशन की वजह से ही आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, कि अगर मैं आपको इस स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा पा रहा हूँ तो ये चीज दर्शाती है कि आप भी फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मैं भी बहुत सिंपल फैमिली से हूँ, ऐसा कोई हाई फाई फैमिली नहीं थी कि भाई लो तुम चलो ये ले लो सामान, अपने मन से कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड सोर्सेस के थ्रू हमने, और ये आज आप देखते हो, आप मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत लिमिटेड चीजों से मैंने शुरुआत करी है, पहले बोर्ड पे ही पढ़ाया आपको सबको। ठीक है, तो आपको भी यही समझना है, आज अगर आप जहां भी हैं आप मेहनत करिए, डेफिनेटली आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। तो ये डिसाइड करिए क्यों पढ़ना है, ये जब क्यों क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे अपने आप ही पता
पता चल जाएगा क्या करना है। फिलहाल मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 के हैं तो सबसे पहले तो अपना क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करिए। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में मैंने 4-4 घंटे क्लास ली, जिससे कि आपको सिलेबस टाइम पे खत्म करवा दूं। नवंबर एंड तक मैं सिलेबस आपका एंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको आराम से मैंने 10 चैप्टर करवा दिए, 10 चैप्टर्स की पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जाना, डाउट इंजन सर्च कर लेना, A4S डाउट इंजन। अगर आप नहीं सर्च कर सकते तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, देख लेना। तो क्लास 11 पे क्लिक करना, इसमें आपको आ जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे इस पे क्लिक करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, मैंने स्ट्रेट लाइन तक करवा दिया, सारी लिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं करा कंप्लीट करिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसके वन शॉट वीडियोस भी देख लो। तो वन शॉट वीडियोस में आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। इस तरीके से अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी स्टेज जब आप ये कर लोगे, ठीक है, रुकना नहीं है, ये तो आपके बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा भी तो करना है। उसके लिए क्या है, अगर आपने, मैं जो आपके लिए डेली 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, तो ये जो 20 क्वेश्चंस की जितनी भी सीरीज हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, सिक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी मैंने करवा रखे हैं, अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो अभी आपको पता है 3-4 दिन, मतलब आज तो मैं लाइव क्लास लूंगा, कल भी लूंगा, लेकिन मंडे 3-4 दिन लाइव क्लास नहीं होगी, क्योंकि आप लोग फेस्टिवल में सेलिब्रेट करेंगे, मैं भी थोड़ा सा बिजी रहूंगा, ठीक है, तो बच्चे ज्यादा भी वैसे भी बिजी रहेंगे, तो मतलब थोड़ा सेलिब्रेशन भी। तो आपके पास यही मौका है कि आप पेंडिंग काम कंप्लीट कर लीजिए मंडे से वेंसडे तक, यानी थर्सडे तक बोल दो, 4 दिन के लिए बोल देता हूँ, 4 दिन आपको जो मिलेंगे उनमें आप ये पूरा बैकअप जितने मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जैसी दिवाली खत्म होगी उसके बाद जम के पढ़ाई होने वाली। आपने देख लिया होगा मैंने 4-4 घंटे क्लास इसलिए ली है, ये दिखाने के लिए कि अब ऐसी जोरदार मेहनत होने वाली है। अगर आपका टारगेट जेई है और एनडीए है, आपको प्रॉपर डीपीपीस भी मिलेंगी, प्रॉपर सब कुछ सिस्टम मैंने बना लिया है और आपको सारी चीजें होने वाली है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करवाने में और मैथ्स में एक अलग लेवल बनाने में, और आप बढ़िया से घर बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे और सारी चीज आपको व्यवस्थित मिलेंगी। तो आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि हाँ सर हम कंप्लीट करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, अच्छा ठीक है ये लोग बोल रहे हैं तो मैं आपके लिए मेहनत करूँ। दिवाली में भी मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, दिवाली में ये जो ऑप्शन था ना, जो इधर आप देखोगे जेई और एनडीए का, तो जेई पे जाओगे तो अभी एक डीपीपी आपको दिखती है, लेकिन दिवाली के बाद आप देखोगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स की डीपीपीस आपको मिलने लगेंगी, और मैं जो चाहता हूँ वो सारी चीज आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो आपको मैं आपको इतना ही टारगेट दे रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरा कंप्लीट कर लें, उसमें किसी भी टाइप का लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि 2-3 महीने जैसे बीतेंगे ना आप 12th में आ जाओगे, फिर आप टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना तैयारी वैयारी करने का। इसलिए अभी से अपना वो माइंड सेटअप बना लो, अगर नहीं बनाया, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने भी स्टार्टिंग नहीं कर, बताना कौन कौन ऐसे जिन्होंने भी कॉम्पिटिटिव के बारे में सोचा भी नहीं है, तो भैया आप सोचना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, मिलकर मेहनत करते हैं तो सब कुछ होगा, ठीक है। और जैसे हमने 10th में मेहनत की थी वैसी अब इसमें मेहनत करनी है, और दिखाना है कि यार देखो हमने घर बैठ के भी अच्छे से पढ़ाई की है और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करा, और भी आप सब्जेक्ट जितने भी हैं सब अच्छे से पढ़ाई करो, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये टारगेट जो मैंने बताया इनको पूरा कर लेना, जिससे कि मैं दिवाली के बाद आऊं और आपको दिवाली के बाद जोरदार लेक्चर लिए जाए दिन में, और आपका सिलेबस भी करवाया जाए और खूब प्रैक्टिस करवाई जाए, मतलब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कि आपको मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आता हो, हर बुक कवर हो जाए। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करते रहें, और जाते जाते एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि हैप्पी दिवाली टू ऑल, और खुशियाँ, खुश रहें और खुशियाँ बांटेंगे, खुश रहेंगे तभी खुशियाँ बांट पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, लास्ट में एक बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।